हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आज हम लेके आए आपके पास एक स्पेशल वीडियो। एक्चुअली क्या है ना, हमने कुछ डिमांड किया है तो हमारे पास वो ऑनलाइन हमने मंगाया है, तो दिखाओ। तो हमने ऑनलाइन ये मंगाया है और अब हम इसकी करने वाले अनबॉक्सिंग कि इसमें आखिर है क्या। चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो ये हम इसको काट चुके हैं और ये है, नजदीक से दिखाओ, ये है गिम्बल। ये एक्चुअली जियोन कंपनी का है और स्मूथ Q3 गिम्बल है। बॉक्स दिखाओ जरा नजदीक। और अब नेगी जी ने देखो पैकेज खोल रहे हैं। तो अब करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये 2 ईयर वारंटी के साथ में आता है, इसलिए 2 साल तक आप इसको बेचक यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब तोड़ फोड़ सकते हो 2 साल तक है। और लग रहा है हमारे पड़ोसियों को कुकर की सीटी बज रही है। ये मैं फर्स्ट में निकालता हूँ। ये इसका ट्राइपॉड है और वैसे अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक भी लग रहा है। इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये है हमारा गिम्बल। तो दोस्तों, ये है हमारा गिम्बल जो कि ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ज़रूरी मीन्स कि जो नए नए ब्लॉगर होते हैं उनके लिए ये एक तरह से ज़रूरी, क्योंकि उसमें ना हाथ काफ़ी हिलता है वगैरह, और जो खास करके मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं तो हमारी तो शुरुआत ही है, तो इसलिए हमने सोचा एक छोटा सा ये तो बोलते हैं ज़रूरी होता है। तो देखते हैं, यूजिंग का तो नहीं बता सकता मैं आपको, इसके बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, लेकिन जब यूज़ करूँगा तो तब देखते हैं। और ये देखो, फ्रैंक भी देख रहा है कि क्या चीज़ आई हुई है ना फ्रैंक? हाँ, एक्चुअली दोस्तों क्या था कि मुझे ना शुरू से शौक था फोटोग्राफी का, नेचर का फ़ोटो लेना। अपनी फ़ोटो कम लेता था मैं जब शुरू में सर्विस भी लगी थी तो सबसे पहले पेमेंट में मैंने ये कैमरा लिया था और वो था यासिका MF2। उस टाइम तो वो रोल होती ना, वो लगती थी। तो मैं फिर घर आते टाइम, घर में वैसे भी उत्तराखंड में पहाड़ियों की वादियों में अच्छे अच्छे फ़ोटो, तो मैं बस वो फ़ोटो लेता रहता था। तो इसलिए इसमें भी मैं यही सोचता हूँ कि मैं वीडियो, मतलब एडिटिंग हो या कहीं से शूट करूँ तो कुछ सिनेमेटिक शूट करूँ, तो उसकी कोशिश करता हूँ मैं। तो मोबाइल पे भी नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये ले लिया, वैसे अपने मतलब से लिया मैंने। और तो किरण जी को शौक़ था रील बनाने का और मेरे को शौक था शूट करने का, तो मैं क्यों ना यूट्यूब चैनल एक स्टार्ट करते हैं। तो बस इसी वजह से हम यूट्यूब चैनल ओपन किया हमने, बाकी हमारा इतना बड़ा ड्रीम नहीं कि जो भी हो। तो इसलिए हम आपके लिए आइंदा से देखेंगे कि अच्छी अच्छी वीडियो इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। और क्या, जब शुरू कर दिया है तो आगे चालू ही रहेंगे।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा ही लगा होगा। एक्चुअली इसका जो पहले वाला पार्ट है वो हमने पहले कर शूट कर लिया था, मतलब जो अनबॉक्सिंग वाला है। उसके बाद जो दो वीडियो हमारे, जो हमारा एक तो रावण दहन वाला और एक डांडिया वाला, वो हमने इस गिम्बल से शूट किया। तो आई थिंक आपको उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा फ़र्क ज़रूर पता लगा होगा। और अभी भी ये जो हम शूट कर रहे हैं ये हम गिम्बल से ही कर रहे हैं, तो हाँ ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। और वो जो बीच में जो सिनेमेटिक कुछ सीन हमने डाले हैं वो इसी गिम्बल के हैं। फ्रैंक भी आ रहा है देखो ब्लॉग में। फ्रैंक ने बोला मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मम्मी मैं भी आऊंगा। और हाँ गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज फ्रैंक भी बोलेगा क्यों बोलो मेरी मम्मी की चैनल को सब्सक्राइब करो। और और हाँ गाइस, एक ख़ास बात कि आज हमारे मतलब कल हो चुके थे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए और हम आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहेंगे। और फ्रैंक की तरफ से भी थैंक यू, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।